जिनके लिए ये देश भारत माँ नहीं बल्कि जमीन का एक टुकड़ा था, जिनके लिए लाखों लोगों की मौत मात्र एक फैसले का परिणाम था, जिनके लिए भारत का बंटवारा सिर्फ एक राजनीतिक घटना थी, वो भारत विभाजन की विभीषिका का दर्द कभी नहीं समझ पाएंगे। देशभक्ति का दम भरने वाले नेताओं के सामने 1947 में भारत को धर्म के नाम पर महज एक लाइन खींचकर बांट दिया गया और सत्ता के लिए नेहरू से लेकर जिन्ना तक की खामोशी ने 10 लाख लोगों की जिंदगियों को निगल लिया। 1,30,00,000 से अधिक लोग एक रात में बेघर हो गए और हजारों महिलाएं अपहरण और बलात्कार की भेंट चढ़ गईं। राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता न रखने वाले लाखों निर्दोषों की जान जा रही थी, लेकिन सत्ता के लालचियों के कपड़ों पर एक सल तक नहीं पड़ी थी। विभाजन के बाद देश के क्या हालात हो सकते हैं, इसकी भयानक झलक 1946 के कलकत्ता हत्याकांड से साफ हो चुकी थी, जब कलकत्ता के मेयर सैयद मोहम्मद उस्मान ने मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए हिंदुओं को कहा कि काफिरों तुम्हारा अंत दूर नहीं है, जल्द ही तुम्हारा कत्लेआम किया जाएगा। और देश को बांटने की जिद पर अड़े जिन्ना ये कह रहे थे कि हमें या तो विभाजित भारत चाहिए या नष्ट भारत। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद में घोषणा कर दी कि 30 जून 1948 से पहले अंग्रेजी हुकूमत भारत छोड़ देगी। 31 मई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन कांग्रेस को सत्ता सौंपने का पत्र लेकर भारत लौटे। 2 जून और 9 जून 1947 की मीटिंग्स में भारत के विभाजन पर मोहर लगा दी गई, जिस अंग्रेज रेडक्लिफ ने कभी भारत को जाना समझा तक नहीं था, उसने भारत के नक्शे पर चंद लाइनें खींचकर भारत के टुकड़े कर दिए। लेकिन वो लोग खामोश थे जिन्हें इस बंटवारे के बाद सत्ता का सुख मिलने वाला था। 14 अगस्त 1947 को कांग्रेस के मौन समर्थन से मां भारती के टुकड़े हो गए और भारत पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान सहित 3 टुकड़ों में बट गया। नेहरू के हाथ में सत्ता तो आ गई, लेकिन इस फैसले ने करोड़ों जिंदगियों को कहीं का नहीं छोड़ा। तब से लेकर आज तक कांग्रेस में कुछ नहीं बदला। नेहरू जी के समय भूख प्यास अत्याचार से पीड़ित हजारों हिंदुओं को भारत की सीमा में नहीं घुसने दिया गया था, और उन पीड़ितों को न्याय देने के लिए जब मोदी सरकार CAA जैसा कानून लेकर आई तो कांग्रेस ने दशकों बाद भी उसका विरोध किया। विभाजन के इस पाप को छिपाने के लिए कांग्रेस ने दशकों तक देश को मिले इस दर्द का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन विभाजन के समय अपना सब कुछ खो देने वाले देशवासियों को याद करते हुए मोदी सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां विभाजन के दर्द को समझ सकें। 14 अगस्त को मोदी सरकार द्वारा घोषित किए गए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को पूरा देश विभाजन के समय अपने प्राण गंवाने वाले एवं विस्थापन के दर्द को झेलने वाले लाखों भारतवासियों को नमन करता है।